बी ए पार्ट सेकेंड के विद्यार्थी हूँ मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आपने दुर्खीम कॉम मैक्स बीबर कार्ल मार्क्स इन सब की कृतियाँ राधा कमल मुखर्जी पढ़ी। आप भारतीय समाजशास्त्री के रूप में हम एक और को पढ़ेंगे जी एस घुरिए। उनका आपको कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जाति वर्ग तथा व्यवसाय प्रमुख रूप से उनका सिद्धांत रहा है। उनका जन्म 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारत में समाजशास्त्र के साथ इन जी एस घुरिए का नाम बहुत दृढ़ता से जुड़ा है क्योंकि अन्य समाजशास्त्रियों के साथ उन्होंने भी भारत में समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्धि प्रदान की। प्रोफेसर घुरिए के लेखन में इतिहास मानवशास्त्र समाजशास्त्री बहुत सारी परंपराएं विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं ही नहीं वरन अपने छात्रों को भी अनुभवाश्रित अध्ययन यानी अनुभव के आधार पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए उनका नाम जब 1919 में बंबई विश्वविद्यालय ने जब समाजशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए पैट्रिक गिट्स को आमंत्रित किया उस समय घुरिए संस्कृत अध्यापक थे और कोई नहीं जानता था कि वो भारत के एक महान समाजशास्त्री बन जाएंगे। भारतीय समाजशास्त्र में प्रोफेसर घुरिए का जो स्थान है उनका लेखन निर्देशन अध्यापन उनकी अद्भुत क्षमता के कारण ही उनका एक अनुपम स्थान बना है। उनकी बहुत सारी कृतियां हैं मैं इस पर डाल दूंगी और आप लोग नोट कर लेंगे जैसे पहले अन्य विचारकों की डाली हैं। तो अभी हम उनकी कुछ चीज़ों को जो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया एंड कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो अभी आपका चैप्टर है जाति वर्ग तथा व्यवसाय कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये कास्ट एंड क्लास इन इंडिया इसी को परिवर्तित रूप कास्ट एंड रेस इन इंडिया नाम से भी छप चुकी है। इन दोनों पुस्तकों का ये परिवर्तित एवं संशोधित रूप है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें से बहुत सारी कृतियां हैं। उन्होंने जो अध्ययन पद्धति अपनाई वो ऐतिहासिक एवं भारतीय भारत शास्त्रीय पद्धति है। उनकी प्रमुख बुक इंडियन साधु भारतीय साधु 1964 में प्रकाशित थी। इस पुस्तक में प्रोफेसर घुरिए ने भारत में साधुवाद एवं साधुओं के उत्थान इतिहास कार्य और वर्तमान में हिंदू साधुओं की संगठन का उल्लेख किया है। दूसरे उनकी जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सोशोलॉजिकल पेपर्स वे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की 1945 से 50 तक अध्यक्ष रहे थे। घुरिए ने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इसके तत्वाधान में 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन भी किया था और ये जो आज भारत में नहीं वरन विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में है सोशोलॉजिकल बुलेटिन जो निकलता है। तो यहाँ आपकी मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय पत्र जो 1963 में प्रकाशित हुए और इसमें मानवशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित जो लेख थे वो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनको संकलित किया और फिर वो यहाँ प्रकाशित किए गए। और है आपका सोशल टेंशन इन इंडिया जो 1968 में प्रकाशित हुई इसके 14 अध्याय हैं जिसमें तनाव संघर्ष एकीकरण और उनकी सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक व्याख्या भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखिए मुख्य बात क्या है उनका भारतीय संदर्भ में यदि हम किसी भी सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो हमें पहले भारतीय संदर्भ को समझना पड़ेगा। सबका परिवेश अलग अलग है इसलिए उन्होंने भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या की। फिर सिटीज एंड सिविलाइजेशन जो 1962 में प्रकाशित हुई इसमें नगरों के इतिहास बाहर के नगरों का इतिहास भारत के नगरों की स्थिति उनकी वृद्धि ये तैयार की गई और कल्चर एंड सोसाइटी संस्कृति और समाज इस पुस्तक में घुरिए ने संस्कृत और समाज के संबंधों का उल्लेख किया।
आपने ये बताने का प्रयास किया कि सामाजिक विघटन के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भारतीयों को वर्तमान में विज्ञान एवं मानवता के बीच जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है उसमें हमें सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। और फिर